हेलो भाई लोग, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग यार कैसे हुआ सबके सब बंदे लोग। आई होप यार सबके सब बंदे लोग अच्छे होंगे। तो भाई लोग जैसा कि आप सभी बंदों को पता है, OB21 अपडेट आ चुका है एंड OB21 अपडेट के साथ बहुत सारे कुछ न्यू मतलब अपडेट्स आए हैं गेम के अंदर, जो आपको ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बता दिए होंगे। तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया था। मेरे को पता है बेसिकली आप वैसे भी वीडियो आप उतना देखते तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं यार, फिर भी OB21 अपडेट के साथ जो भी मतलब जो ऐसे बड़े बड़े चेंजेस है वो मैं आपको इस वाले वीडियो के अंदर बता देता हूँ। एंड इसके अलावा आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि आगे आने वाला जो हमारा एलर्ट पास है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, पूरा एलर्ट पास का रिव्यू करने वाले हैं। एंड हाँ, आपको एक चीज़ अभी से बता दूँ कि यदि आपने वो एलर्ट पास नहीं लिया है ना, वो क्या इससे इससे आगे मतलब जो ये वाला एलर्ट पास चल रहा है इसके बाद से जो आने वाले जितने भी एलर्ट पास आपने नहीं लिया ना, तो मतलब आप गेम खेलना छोड़ दो मेरे भाई, क्योंकि आगे आने वाले दो एलर्ट पास इतने अच्छे होने वाले हैं। मतलब दो नहीं, मतलब जो अब से जितने भी एलर्ट पास आएंगे ना, इतने तगड़े आने वाले हैं कि आप बोलोगे हाँ भाई यार मतलब कुछ आया है गेम के अंदर। आप ऐसा बोलोगे हाँ भाई कुछ तो नया आया है गेम के अंदर, गेम ने काफ़ी कुछ चेंजेस किया है। तो OB21 अपडेट के साथ आपने उसके एक छोटी सी झलक देख ली, आपने स्टोर अभी तक चेक नहीं किया तो स्टोर मेरे भाई जाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा स्टोर के अंदर क्या क्या मतलब क्या कुछ आया है। जो भी डिमांडिंग आइटम थे सबके सब दे दिए करीना वालों ने, तो उसके लिए दिल से थैंक यू यार गरीना वालों का। उन्होंने हमारी इतनी देर से सुनी, लेकिन सुनी कम से कम हमारी बातें तो सुनी। एंड बहुत से बंदे मेरे को पता बोल रहे कि ऑब्जेक्शन करेंगे कि यार हमारे पास ये पहले से था, गरीना वालों ने सही नहीं किया है। तो मेरे भाई ऐसी बात है, देखो मेरे भाई ऐसी बात है, गरीना वालों ने बिल्कुल सही चीज़ किया है, एकदम स्टोर के अंदर दिया है ना। तो अब अभी बोलेंगे ये बहुत सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, हर किसी बंदे के पास होगी। तो मेरे भाई देखो ऐसा है, हर किसी के पास डायमंड नहीं होते हैं, हर बंदा डायमंड परचेज नहीं करता है। तो उन्होंने स्टोर में दिया ना तो सही दिया है, जिनके पास औकात होगी लेने की तो वो ले लेंगे। जब शुरुआत में बंदों ने मतलब बहुत कम पब्लिक थी जिन्होंने वो वाले आइटम लिए थे, अभी सारे बंदे उनकी डिमांडिंग कर रहे हैं, तो वो सारे सारे आइटम गरीना वालों ने फिर से दिए हैं। मैं इसके पक्ष में मेरे भाई ठीक है। अभी ये बहुत से बंदे बोलेंगे कि यार सही नहीं किया मेरे भाई सही नहीं किया है, तो वो आपकी मर्जी है, आप अपने थिंक अपने पास रखो। मेरे को बहुत सही चीज़ लगे एंड आराम से जितने भी बंदे हैं गाइस स्टोर के अंदर मजे लो, अभी तो परमानेंट रहने वाला है। मैं पहले बोल रहा हूँ, बहुत से बंदे बोल हटा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरे भाई स्टोर में जो आइटम आता है वो कभी हटता नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट अगले अपडेट तक तो नहीं हटेगा, ये आप मान के चलो। तो आराम से मेम्बरशिप ले लो, कुछ भी कर लो, आप टॉपअप करो तो कुछ भी करो, एंड आइटम ले लेना सबके सब बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं जो अगले आने वाला एलर्ट पास है। तो गाइस 24 एलर्ट पास बेसिकली बेस्ट होने वाला है समुराई पे। तो गाइस समुराई का ऑलरेडी एक आ चुका है, लेकिन वो इतना टट्टी सा था, हम लोग इतना कोई खास था नहीं मेरे को पता है। लेकिन जो आगे आने वाला एलर्ट पास है गाइस, मैं उसको मैं पहले ही बता दूंगा, आपको पूरा रिव्यू करने वाला, वीडियो लास्ट तक देखना। एंड हाँ, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। एंड हाँ भाई लोग, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपको मेरे को पता है पसंद आएगा, ज़रूर आएगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मतलब क्या है, मतलब उसमें क्या ऐसी खास बात है एलर्ट पास के अंदर। तो मेरे भाई देखो, जो पुराने एलर्ट पास थे वो रेयर इसलिए थे क्योंकि वो उनके पीछे गरीना वाले बहुत सही काम करते थे, वो मतलब एकदम ऑफिशियली उसको आराम से हैंडल करते, उसके ऊपर आराम से काम करते। लेकिन जब से उनको थोड़ी पॉपुलरिटी मिलना शुरू हुई है तो उन्होंने एकदम मतलब आपको पता है क्या करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। चलो मैं बाकी बात मैं आपको बाद में बता दूंगा आगे वीडियो के अंदर। तो चलो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूं एंड आपको एलर्ट पास दिखा देता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस ट्रेलर कैसा होने वाला है। तो भाई लोग, अगर मैं ट्रेलर देख ही लिया है, बेसिकली थोड़ी क्वालिटी लो है, मेरे को पता थोड़ी सी क्वालिटी लो है, लेकिन कोई बात नहीं यार, हमको जितने भी लीक्स मिले उनसे तो कहीं बेटर है यार, ठीक है। अगर बाकी यूट्यूबर्स लीक देते हैं ना उनसे तो कहीं बेटर है, मेरे को पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो चलो
अभी यह है आपका एलाइट पास। तो गाइज इसके अंदर पेन का स्किन देखने को मिल रहा है गाइज, बहुत अच्छा पेन का स्किन है, बहुत तगड़ा वाला। एंड गाइज इससे आप देख सकते हो कि मतलब क्या आने वाला। तो उसके बाद गाइज आपको गाड़ी का स्किन मिल रहा है। जी हाँ मेरे भाई, एलाइट पास के अंदर आपको गाड़ी का स्किन देखने को मिलेगा, एकदम तगड़ा वाला। जीप का स्किन है मेरे भाई, जीप का स्किन मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जीप का स्किन मिल रहा है एलाइट पास के अंदर, जो पहले वाले एलाइट पास में मिलते थे वो अभी मिल रहा है। बैनर आप देख सकते हो, बहुत तगड़ा बैनर देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, बहुत तगड़ा बैनर हमको देखने को मिल रहा है। एंड 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 मेरे भाई लोग, इसका जो टी शर्ट है गाइस, इस पर हाइड वेस्ट तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी चलो एक बेसिकली जो फ्री वालों को मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फ्री वालों को मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। एंड फीमेल का कॉस्ट्यूम मेरे भाई ओपी लेवल है। ठीक है, मतलब एकदम रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम है, कोई ऐसे कार्टून टाइप में नहीं है, कोई रोबोटिक टाइप में नहीं है मेरे भाई, एकदम रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम है। सबसे तगड़ी चीज़ देखना गाइज इस वाले कॉस्ट्यूम की यह है, इसका जो एनिमेशन है ना गाइज, इसका जो एनिमेशन है देखना। ठीक है, देखो पीछे से देखो गाइज, एक ड्रैगन के टाइप में निकल रहा है आप, मतलब ठीक से देखो ना, पीछे से ड्रैगन टाइप में निकल रहा है। मेरे को सबसे ओपी चीज़ लगा, जब भी आप किल करोगे या कुछ भी मतलब इसको पेन खेलोगे तो ये ड्रैगन आपको बार बार पीछे से देखने को मिलेगा। मेरे भाई ओपी लेवल है मेरे भाई, पहले बोलूँ यदि ये चीज़ मिस किया तो आपने बहुत कुछ चीज़ें मिस करने वाला। एंड आपको ये देखो, आपको एक गन का स्क्रीन मिल रहा है, जो बेसिकली हमको कुछ अलग अलग मोड्स के अंदर देखने मिलता है, ये तो गेम में तो आने वाला वैसे भी है नहीं। एंड उसके बाद जो आपको बेसिक जो चीज़ें मिलता बस वो मिलने वाला है। एंड हाँ भाई, उसके बाद जो फ्री वाले बंदों को आपको टी शर्ट मिलने वाला है। टी शर्ट वैसे देखने में उतना मतलब अच्छा तो नहीं है, क्योंकि फ्री वालों को वैसे बता गरीने वाले फ्री वालों ऐसे टी शर्ट वगैरह देते हैं, इसके पीछे भी एक ड्रैगन का लोगो लगा हुआ, तो मेरे ख्याल से ये इसको पहन के कोई खेलने वाला है नहीं, तो इसको चलो मारो बोले। एंड आपको बेसिकली आपको जो फॉर्मेस मिलने वाला है वो मिलने वाला है। एंड इसके बाद में गाइस देखो, ये मेरे को शायद ग्रेनेड का स्किन लग रहा है। ठीक है, देखो बैनर भाई ओपी बैनर है, एंड ग्रेनेड का स्किन है या ग्लूवल का स्किन है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे भाई। ठीक है, मेरे को देखने से शायद ग्लूवल का स्किन लग रहा है। ठीक है, देखने से ग्लूवल का स्किन लग रहा है, एंड ग्रेनेड भी हो सकता है, इसके बारे में मैं कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, जो भी होने वाला है। एंड इसके बाद में गाइज आपको एक बैनर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा बैनर है, मतलब अच्छा अवतार है। एंड गाइज ये जो इसका जो लूट बॉक्स होने वाला है मेरे भाई, ठीक है, एंड ये भी आप बैनर देख सकते हो। ये यार ये भी मेरे को मतलब ऐसे मतलब अच्छा है, आप उतना बुरा नहीं बोल सकते हैं। एंड जो लूट बॉक्स है मेरे भाई ओपी लेवल है, आप ग्राफिक्स भी इसका देख सकते हो। मैं तो बेसिकली खुद अल्ट्रा ग्राफिक्स के अंदर खेलता हूँ, तो मेरे को तो बहुत अच्छा दिखने वाला है। एंड आपका मेरे को पता नहीं, स्मूथ में खेलते हो तो भी आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है मेरे भाई। ठीक है, एंड उसके बाद में आप देख सकते हो इसका सब बोर्ड, मेरे को इसमें एक ही सब बोर्ड दिख रहा है, ये मेरे को कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन गाइज ये भी सब बोर्ड है ना, रेयर आइटम में से एक होने वाला है, क्योंकि सब बोर्ड आप देख सकते हो कितना ओपी लेवल का है। एंड इसका एक और सब बोर्ड आएगा, मेरे को पता है, शायद इस वाले के अंदर ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होकर एक और सब बोर्ड ऐड होगा, क्योंकि हर एलाइट पास के अंदर 200 बोर्ड होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो फ्री वाले बंदों को 200 पे गाइस, देखो 200 पे आपको एक बैकपैक का स्किन देखने को मिल रहा है। एंड जो एलाइट पास वालों को एक बैग का स्किन मिल रहा है मेरे भाई, आप बोलोगे ये तो नॉर्मल बैकपैक है, लेकिन रुको इसको मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, वो भी कुछ एनिमेशन के साथ। ठीक है, तो ये देखो गाइस घूम रहा है ना आपके सामने, देखो ये ऐसे राउंड राउंड घूमता है गाइस, तो बहुत अच्छा लगने वाला है मेरे भाई। ठीक है, बहुत तगड़ा लगने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप तीनों देख सकते हो, तो बहुत अच्छा। एंड अभी बात कर लेते हैं मेल कॉस्ट्यूम के बारे में, तो मेरे भाई एडम के ऊपर पहना हुआ है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी देखो गाइस इसका जो एनिमेशन देखना, जो पीछे से ड्रैगन निकलने वाला, देखो ये सबसे बेस्ट होने वाला है मेरे भाई, सबसे बेस्ट होने वाला है। जो इसके बाल है बहुत अच्छे हैं, इसका जो फेस वाला जो मास्क है गाइस वो भी बहुत तगड़ा है, ओवरऑल पूरा बॉडी का एंड पूरा कॉस्ट्यूम है। तो भाई लोग कैसा लगा आपको एलाइट पास? मेरे को तो बहुत 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 अच्छा लगा। एंड इसके बाद में जो आने वाला एलाइट पास है, ये तो बेसिकली मई का है, मई के बाद में जून का आता है शायद, हाँ, तो गाइस उसका भी एलाइट पास मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना, एंड भाई लोग वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ, यदि आप भी एक छोटे मोटे यूट्यूबर हो मेरी तरह, तो आप इस वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कोई कॉपीराइट नहीं मारने वाला। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब नहीं करते वाले लोग सब्सक्राइब करो। गाइस मिलता हूँ इसी तरह के बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ, तब तक लव यू एंड गाइस बाय बाय।